एवरीवन, माय नेम इज अन्विशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास वन के साइंस का चैप्टर नंबर 11, एयर एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी। तो चलिए बिना देरी के इसे हम स्टार्ट करते हैं। एयर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए एयर और पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कांट सी इट। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट अराउंड अस। वी फील एयर व्हेन इट मूव्स। मतलब कि सारे जीवित जंतुओं को एयर की ज़रूरत होती है और हमारे चारों तरफ हवा होती है मगर हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो कलरलेस होती है। और हम एयर को तो देख तो नहीं सकते मगर उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। एयर जो है उसे हम फील करते हैं जब वो चलती, जब हवाएँ चलती है तो हम उसे फील करते हैं। अ काइट फ्लाइंग इन द एयर। हवा में जो पतंगे उड़ती हैं वो उसकी बहाव में उड़ती हैं। एन अम्ब्रेला अपसाइड डाउन ड्यू टू द विंड। अब विंड ज़्यादा होने की वजह से जो अम्ब्रेला है वो उड़ने लगता है। अ बॉय साइकिलिंग। एक लड़का जो है वो साइकिलिंग कर रहा है। क्लॉथ्स फ्लैपिंग इन द विंड। जो कपड़े हैं वो इधर उधर उड़ रहे हैं विंड के ज़रिए। विंड ब्लोइंग लीव्स ऑन द ट्रीज। विंड जो है जब हवा तेज़ होती है तब सारे के सारे पेड़ पर के पत्तियां झड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द विंड हेल्प्स काइट टू फ्लाई एंड क्लॉथ्स टू ड्राई। द विंड हेल्प टू मूव मेनी थिंग्स। मतलब कि जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसे हम विंड बोलते हैं और विंड जो है वो मदद करती है काइट्स को हवा में उड़ने में, क्लॉथ्स को जल्दी से ड्राई होने में, सूखने में। और विंड जो है वो हमें मदद करती है किसी भी चीज़ को मूव करने में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ एयर। एयर का क्या क्या यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ तो है, एयर इज़ यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज। एयर जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा तरीक़ों में बहुत यूज़फुल होता है। लिविंग थिंग्स नीड एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें हवा की आवश्यकता होती है और लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें हवा की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि उन्हें सांस लेना होता है। वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज़। हम अपने नाक के ज़रिए ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। बर्ड्स यूज़ एयर टू ब्रीथ एंड टू फ्लाई इन द स्काई। जो बर्ड्स हैं वो एयर का यूज़ करती हैं हवा में उड़ने के लिए और सांस लेने के लिए। फिश ब्रीथ एयर प्रेजेंट इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। और जो फिश हैं वो पानी में सांस लेती है अपनी गिल्स की वजह से, मतलब गिल्स की मदद से, यहाँ पर उनका गिल्स होता है। और जो बर्ड्स हैं उन्हें मदद होती है उड़ने में। एयर फिल्स थिंग्स। और एयर जो है थिंग्स के अंदर एयर भरी जाती है। मेनी थिंग्स लाइक बॉल, फ्लोटिंग ट्यूब एंड बलून कैन बी फिल्ड विथ एयर। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं जैसे बॉल, फ्लोटिंग ट्यूब, बलून्स, इन सब के अंदर हवा भरी जाती है। जैसे ये बलून है, ये बॉल है, ये फ्लोटिंग ट्यूब है, ताकि इन्हें हम अपने यूज़ में ले सकें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। जस्ट लाइक एयर ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू सर्वाइव। जैसे एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रहने के लिए। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड इन द स्काई। रेन वाटर फिल्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड सीज। हम पानी लेते हैं रेन से। जब बारिश होती है तो पानी जो है वो लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में और सीज में जमा हो जाता है। और जो रेन्स हैं वो क्लाउड्स जो आसमान में बादल लगे होते हैं जब वो एकदम काले हो जाते हैं तब वो बरसने लगते हैं और इसी से हमें पानी मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी की क्या क्या यूजेज होती हैं। वी नीड वाटर टू डू मेनी थिंग्स। हमें पानी की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। वी यूज़ वाटर टू ब्रश आवर टीथ। हमें पानी की ज़रूरत होती है ब्रश करने के लिए, अपने यूटेंसिल्स को, बर्तनों को धोने के लिए, नहाने के लिए और प्लांट्स में पानी डालने के लिए। वाटर इज़ वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ अस। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। पानी हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत आवश्यक होता है और हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टोरिंग वाटर। वी स्टोर वाटर इन मेनी वेज। हम पानी को बहुत सारे वेज में स्टोर कर सकते हैं। एट होम वी स्टोर वाटर इन बकेट्स एंड पॉट्स। हमें घर पर हमें अपने पानी को बकेट्स में या फिर पॉट्स में स्टोर कर लेना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन लार्ज वाटर टैंक्स। वेरी लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर इज़ कलेक्टेड इन डैम्स एंड कैरीड बाई कैनल्स। मतलब कि हम इस अपने पानी को एक बड़े बड़े लार्ज वाटर टैंक्स में भी स्टोर कर सकते हैं और ऐसा होता भी है, मतलब बड़े बड़े टैंक्स में पानी स्टोर भी होता है।
और बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में जो पानी है वो डैम्स के पास कलेक्ट हो जाता है और कैनल्स के ज़रिए इधर उधर जाता है। जैसे ये है एक डैम, इससे ये बंद हो जाता है तो पानी आना बंद हो जाता है, और जब ये खुल जाता है तो पानी इसमें से दूसरे नदी में जाने लगता है। ये एक कैनल है और ये एक वाटर टैंक है जिसमें पानी स्टोर होता है। अब लास्ट कुछ सेंटेंसेस बाकी हैं। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर इन क्लीन वेसल्स, वी शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी। मतलब कि पीने वाली पानी जो होती है, पीने का पानी, वो हमें साफ यूटेंस वेसल्स में कलेक्ट कर लेना चाहिए, मतलब कि साफ बर्तनों में। और हमें पानी को पीने, जो पीने वाला पानी होता है उसे हमें कवर करके रखना चाहिए ताकि वो गंदा ना हो जाए। और ड्रिंकिंग डर्टी वाटर विल मेक अस इल, और गंदा पानी पीने से हम बीमार भी हो सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है, टेक द जग इन विच वाटर इज स्टोर्ड प्रॉपरली। जग पर क्लिक करें जिसमें वाटर स्टोर, वाटर जो है वो अच्छे से स्टोर हो पाए। तो इसमें स्टोर होगा या इसमें स्टोर होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।